इधर से आया चूहा, उधर से आई बिल्ली और मेरी चार पाई बिल्ली। एक ऋषि का ध्यान भंग करना है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अश्वनी और आप देख रहे हैं टैलेंटेड अश्वनी ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपने यहाँ की रामलीला जो आज से ही शुरू हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इसकी और भी पार्ट देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं दरबार के लिए आया करता था तो आप का चेहरा कमल के काला दे दे, मैं प्रतिदिन की भार दरबार में बैठा, परियों का गाना सुन रहा था, नाच देख रहा था, लेकिन ये सिंहासन अचानक हिलने का ये कारण क्या? क्या भाई काला देव, ये क्या देख रहा है? अरे महाराज, मैं एक बार अपने घर अपनी बार चाय पी लेता था, ये चार पाई बोर्ड, हाँ चार पाई, चार पाई। तो मैंने क्या देखा, इधर से आया चूहा, उधर से आई बिल्ली और मेरी चार पाई हिल्ली। काला देव, तो मैंने ये सोचा कि सिंहासन में कहीं चूहा तो नहीं लग गया है। सुनो, ये अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन, ये चूहा और बिल्ली के घुसने से नहीं हिलेगा। फिर क्या हुआ? आओ देख कर आओ, या तो कोई राजा यज्ञ कर रहा है या कोई संत महात्मा तप कर रहा है। जैसे आ गए, जाओ गए जेव राजा सुरक्षित एक सामग्री लेके बैठे कि पूजा पाठ करते हैं, इनको सिंहासन तक बुलाया था, इनको जो डर रहा था महाराज तो कि हमारा सिंहासन कहीं कोई कब्जा में कर ले। अर जाता हूँ हजूर, अर जाता हूँ, जाकी थोड़ी आवाज बाहर ले, अर जाता हूँ हजूर लाता खबर मुन ज्ञानी की, जाता हूँ हजूर बतावत जी लगे पुत्र गो मरे वो तू, हम ना मरेंगे बेटा, मरोगे तुम। हमारे पिताजी बताते हैं कि बेटा तो हमने काल पूर्व खा के पैदा करो, तू कैसे मर जाएगी? धरे बेटा धरे ना, भाई साहब जी लगे हिले से जाना खबर है की तरह जब कितने जेल चले गए, हंसने की कोई बात ना, मामले की बात है क्या? एक दिन हमने पोस्टर देखो 40 के नाम आए, खैर कोई बात ना है, लगे लो घुटर घूम घुटर घूम। ये बात है, ये बाया चिड़िया कितनी बदतमीज थी, बताओ कहाँ घुस जा रहा, समय कम है हमारे पास, चल ले महाराज से कहेंगे। एक साधु भाई साहब लगे गुट्टू घूम मरे गुट्टू, मन गति देखे सुरेश डराना, मन गति दे महाराज के जीवन की जयकार हो, खुश रहो। काला देव, क्या खबर लेके आए हो? महाराज
महाराज ये गुफा के अंदर बंदा हवा जो खाता था, महाराज ये गुफा के अंदर बंदा हवा नारद 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 हम भी डस्ट में तो गए ना तुम राजा हो, तुम्हें पता हो नाम का है, कहिए क्या होना चाहिए। सुनो कालादेव, अब तुम जाओ हमारे मित्र कामदेव के लिए बुला के जाओ। कामदेव के लिए आपके पास बुला के लाए भैया, जान ले नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो करी, अब काम की कही तो मने क्यों करी, जाने माया कामदेव आवाज सुने तो हमारे पास आ जाए। मुनिगत देख सुरेश डराना काम ही बोले कीन सनमा, सभा मध्य महाराज काम के ला तो फरमाइए सरकार। कहिए प्यारे मित्रवर किया बोले तो यार काम हमारे नायक हो फरमाए महाराज। मित्रवर प्यारे मेरे मदन सब कह दो मेरा मान, बड़ी फिक्र मुझको हुई विश्व नारद के, क्या जब ही से सुनो तपनार्थ को तब ही से भई मम संसय भारी, मम सिंहासन के हेत मुनि ने शैल पे जाए के आसन भारी, तुम देखे जाए के ध्यान बिगाए के भोग प्रयास करो तैयारी, ध्यान बिगैर सिनारद को जब ही समझूंगा कीर्ति तुम्हारी। बस यही चिंता है कौन सी रात है नाथ हरी, कौन सी रात है नाथ हरी, अब ही गुरुदास के ध्यान छुड़ाओ, काम करा रखते दुर्भागी ये दुछड़ा कर भोग कराओ, जो किशोर ना करूं वो इतना काम अंदेवना नाम कहा, कठिने पल वृक्षों से कठिने पल वृक्षों से मैं नंदन बन बना दूंगा, अपने कुशल साक्ष्य सारी सृष्टि को हिला दूंगा, करूं बे चैन छड़वर में इस झूठे जगत के सार को, क्या चीज है छोड़ो नहीं संसार को, काम देते नाम को भलाई की रुतराई से, भलाई की रुतराई से मुख नहीं मारूंगा, अगर मैं काम हो तो कार्य पूरा करके छोड़ो। और क्या चाहिए, कुछ परियां भी चाहिए। ठीक है साथ में ये काला देव जाएगा। अरे अफसराओ मेनका रामदेव रुक्सी तुरंत सुनो, तुरंत वीरराज के दरबार में उपस्थित हो, मदन का बुलावा है, महाराज बिराजे हैं मदन। अरे भाई इंद्र की अम्मा दरबार में पेश हो जाए, मदन बुलावा चलो ये तो हमारे मित्र कामदेव के साथ जाओ। ठीक है रंगा उर्वशी मेहता सभी लोग मेरे साथ चल रही हो, पता कौन से काम के लिए चल रही हो, एक ऋषि का ध्यान भंग करना है, उन्हें दिगाना है, सही होगा अगर जो भी दिगाने में कामयाब होगा तो महाराज की तरफ से उसे इनाम मिलेगा। और काला देव देखो हमें तो रास्ता मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम है, तुम आगे आगे चलोगे हेलीकॉप्टर करके, उसका क्या होगा, बाबू बटन दबाओ नहीं उतार रहे हो बाबू, हेलीकॉप्टर से नहीं काम चलेगा, पैदल चलना पड़ेगा, पैदल शॉर्टकट वाले रास्ते से चलना जिससे जल्दी पहुंच जाए। बता कौन सी रास्ता चलेगी, तू बता कौन सी रास्ता जाएगी, जिस रास्ता से तुम जाओ उस रास्ते से, तू बता कौन सी जाएगी, जब बिहार से जिस रास्ता से आप जाओगे उस रास्ता से मैं भी चलूंगा। भैया मैं वह रास्ता से ना जा पाऊंगा, जिस रास्ता आओ वह रास्ता मैं ना जा पाऊंगा।
तुम तो अरे आप चलो नहीं चलो अच्छा बिना जल्दी यार हाँ चलो चलो बता लगे ये वही चल के ओ यही मरेगी तू पत्तमी जी बाबा जी बाबा ओहो नालादेव आ गए हाँ ठीक है इनसे मालूम कर लो कहीं महाराज आपका क्या कहना है हमारा ये कहना है यही ऋषिराज है इन्हीं का ध्यान भंग करना है तुम्हारे बस की बात है निकालोगी अब बस दिखा दूंगी ठीक है दिखाओगा हाँ दिखा दी हाँ बहन मुझे बाबा पलकिया तो सूखा की बीमारी है क्या हाँ अब मंत्री साहब चले गए ना तो दवाई तो दिखा दे तुम चल ध्यान ना दो तो समझ लिए ये समझो तू राम है मेरे हाथ में क्या रही हूँ मैं लगा कर आई हूँ हो तुम लाल लाल लिपस्टिक लगा कर आई हूँ ए बाबा देखो मैं कितनी सुंदर बन के मुझ पे नहीं टिका अरे सुनना रे मैं तो नहीं दिखाई दूंगी ये तो क्या है बाबा बड़े बड़े अच्छा बाबा को मैंने ध्यान दिखाया है सही कह रही है और क्या एक को तो ध्यान वाले दिखाई दो जो ध्यान का मरा चल भाग का मरा तो मैं दिखाई दूंगी दिखा सकते और क्या चल दिखाई दी सही बात ना फिर क्या लगा के आई बाबा की खत अरे ध्यान ना दिखो बाबा जी की फिर पता है क्या है ये समझो तू राम है तुम्हें पता नहीं क्या लगा के आई देखो सेंट लगा के आई हूँ समझ ले बाबा की खातिर में सभी सौदे लगा के आया जा समझ ले आज रात में कोई क्या सुना बच्चे चल दिखा हले को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने